नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अभिनव पराशर आपका स्वागत करता हूं इस बार की क्राइम सीरीज में। रिश्तों को लेकर अक्सर एक बात कही जाती है कि रिश्तों को संभालना और सहेजना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कहीं भी किसी भी मोड़ पर आपके कदम लड़खड़ा जाते हैं तो सारी की सारी बात, सारे रिश्ते डेढ़ आकर गिर जाते हैं। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, प्यार, धोखे और विश्वास की। आइए देखते हैं। डैड, आज वेलकम माय बॉय, वेलकम। आपका हैंडसम और गुड लुकिंग बेटा आ गया डैड। यस, चल आजा अंदर, बैग ले ले, आजा। या श्योर डैड। और बेटा कैसा रहा हॉस्टल का तेरा लाइफ? एकदम फाइन डैड। डैड अब मैं आपके साथ यही रहूंगा। मुझे मालूम है डैड कि मॉम के जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो गए हो। आई कैन फील इट डैड। तू सच कह रहा है, मैं बहुत लोनली फील करता हूँ, बहुत अकेला हो गया। लेकिन अब तू आ गया है ना, अब बाप बेटे मिलके दोनों खूब मस्ती करेंगे, ठीक है ना? श्योर डैड। तुझे पता है जब से तेरी कावेरी आंटी ने घर संभाला है, मतलब घर की देखभाल अच्छे से कर लेती है, उससे मन को बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है। डैड मैं समझा नहीं, दिल को सुकून कैसे मिलता है? अरे बेटा तेरे को हर चीज़ बहुत समझानी पड़ती है। मेरा ये कहने का मतलब था बेटा कि तेरी कावेरी आंटी ने एक घर के सदस्य की तरह घर संभाला हुआ है, बिल्कुल तेरी माँ की तरह। मेरा ख्याल भी रखती है, घर भी संभालती है। ओह गुड, अच्छा है फिर तो। वैसे है कहाँ ये सर्वेंट? पर सॉरी डैड, आई मीन कावेरी आंटी किधर? कावेरी जरा पानी लाना। और बता तेरा हॉस्टल का लाइफ कैसा था? और ये क्या दुबला पतला हो गया तू? खाना नहीं मिलता हॉस्टल में? डैड हॉस्टल का खाना को तो पूछो ही मत, मतलब एक ही खाना डेली। राज बाबा ये लीजिए पानी। आप तो आपके पापा से भी दो कदम आगे निकले। मतलब? मेरा मतलब है दिखने में एकदम हीरो की तरह दिखते हैं आप। क्यों नहीं, आखिर बेटा किसका है। अच्छा कावेरी, अच्छा जो भी खाना पकेगा ना वो सिर्फ राज की पसंद का पकेगा, क्योंकि मेरा बेटा हॉस्टल का बोरिंग खाना खाकर बोर हो गया रहेगा। देखो क्या शक्ल बना रखी है यार। हॉस्टल लाइफ इज टू बोरिंग, मतलब हॉस्टल का एक ही खाना डेली खा खा के ना एकदम पक गया जैसे। डोंट वरी बच्चा, कावेरी आज से जो भी राज को पसंद है वही तुम्हें बनाना है। जी हाँ, चलो जल्दी जल्दी खाने की तैयारी शुरू करो। जी वाह डैड, खाना तो बहुत अच्छा है आज का। अरे भाई क्यों नहीं होगा, मैंने खास कावेरी को बोलकर तेरी सारी मनपसंद चीज़ बनवाई है। दाल खा के तक दाल बहुत सुपर बनी है। तेरी मम्मी बनाती थी ना बेटा, जो तुझे बहुत पसंद है वैसी ही दाल बनी है। लेट अभी तक आपको सब कुछ पता है। मैंने आई थॉट कि जब मैं यहाँ आऊँगा तो बहुत अकेला महसूस करूँगा। थैंक यू सो मच डैड एंड आई लव यू। आई लव यू टू माई सन। मैं तो बस एक छोटी सी कोशिश कर रहा था कि तुझे मम्मी की कमी महसूस ना हो। वैसे डैड एक बात पूछनी थी। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक लाइफ पार्टनर हो आपकी जो आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखे? उसके लिए कावेरी है ना, जो मेरा और इस घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। अब तू आ गया, तेरा भी रखेगी। क्यों कावेरी है ना? हाँ हाँ, अब आपकी हर रिक्वायरमेंट्स का तो ध्यान मुझे रखना ही है। और अब तो राज बाबा भी आ गए हैं तो उनकी भी हर रिक्वायरमेंट का ध्यान मुझे रखना है। अच्छा अभी काम करो, तुमने जो अपने हाथों से आइसक्रीम बनाई है ना वो लेकर आओ, तब तक हम बाप बेटे गप्पा मारते हैं। थैंक यू। तेरे को पता है क्या मस्त आइसक्रीम बनाती है, लगेगा ही नहीं कि घर पे बनाई हुई है। क्या जादू है उसके हाथों में।
वाओ डैड। ये रोज जो तुम अपने हाथों से मुझे दूध पिलाती हो ना, दूध का टेस्ट बहुत मीठा हो जाता है। हाँ? बिल्कुल तुम्हारी तरह। काबिर, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, ब्राज घर आ गया और अब वो यहीं रहेगा, तो हमें अब बहुत संभालना पड़ेगा। क्या है ना, मैं उसके लिए एक आदर्श पिता चाहूँ। अरे आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, राज पापा को मैं बहुत अच्छे से संभाल लूंगी, जैसे आज तक आपको संभाल के रखा है। क्यों, आपको आज तक मैडम की कमी महसूस होने दी क्या? नहीं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तुमने तो मैडम से भी अच्छे से मेरा ध्यान रखा है। वो क्या है ना, हम जिस एजेंसी के थ्रू आते हैं ना, तो हमको यही सिखाया जाता है कि अपना बेस्ट वर्क दो, ताकि कोई कंप्लेन ना हो। और अब राज बाबा को भी कोई कंप्लेन नहीं होगी। क्या मतलब? मतलब राज बाबा का भी मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैं जानता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। तुम्हारे आने से मेरा घर पूरा हो गया है और तुम जितना मेरा ध्यान रखती हो, मैं अब तुम पे इतना भरोसा कर सकता हूँ कि राज को भी तुम एक माँ की कमी महसूस नहीं होने दोगी। थैंक यू सो मच, आई लव यू। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है राज से। राज की माँ की डेथ एक कार एक्सीडेंट में एक साल पहले हो गई थी। उसके पिता की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, इसलिए उन्होंने एक केयर टेकर को किसी एजेंसी से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंट कर घर पर बुलवाया था। लेकिन केयर टेकर के आने के बाद घटनाएँ कुछ और ही होने लगी थी। अब देखना यह है कि कहानी में एक केयर टेकर पर एतवार करने का नतीजा क्या होता है। Very, very fast. How do you see things? Right. And have we begun a fresh up move? Four questions here. Yes, it is a fresh up move where I do not rule out a move so, Raj, significantly beyond the prior all-time high on Nifty and even on Bank Nifty. What's going on? Good, Dad. वो इंटरव्यू वगैरह दे रहा हूँ। आई थॉट कि आपको कुछ फाइनेंशियली भी मदद कर दूँ। फाइनेंशियली व्हाट डू यू मीन? अरे बेटा, तेरे पिताजी में बहुत ताकत है, तो तुझे फाइनेंस का सोचने की ज़रूरत नहीं है। तू जवान है, एंजॉय कर अपने फ्रेंड्स के साथ में अपनी लाइफ, ओके? डैड, मॉम के जाने के बाद ना बिल्कुल अकेलापन लग रहा है। अकेलापन तो मुझे भी महसूस हो रहा है बेटा, पर जाने वाले को कौन रोक सकता है? ये तो अच्छा है उस कावेरी का जिसने मुझे और इस घर को संभाल के रखा है। ये रही आपकी चाय। कावेरी, अभी तेरी बातें चल रही थी। थैंक यू सो मच मुझे और इस घर को संभालने के लिए। ये घर तो मुझे अपना ही लगता है और अपना समझ के ही मैं इस घर में रहती हूँ। हर जो भी करती हूँ सबको खुश करने के लिए करती हूँ। क्यों सर, सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। चलो बेटा, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। खैर, एंजॉय। अब पूरा दिन बैठकर टीवी मत देखते रहना, खाना खाना और सो जाना। जी ठीक है, थोड़ी देर देख लेता हूँ। चल बेटा, बाय बाय। ओके डैड, लव यू बेटा, बाय डैड। ए भाभी,
24 घंटा पूरा हो गया, ये ले 1 करोड़ रुपया। ये मेरे भी 1 करोड़ रुपए और मेरे बेटे का MMS अभी का भी डिलीट करो। मेरी बेटी का भी MMS अभी का भी डिलीट करो। MMS? कैसा MMS? कैसी बातें कर रहे हो आप? और कौन हो आप लोग? कावेरी, कावेरी आई जी। राज बाबा, आज खाने में क्या बना रही हो? जो आप खाएंगे, वेज, नॉन वेज, चाइनीज, इटालियन, साउथ इंडियन। वैसे तुम्हारे हाथ से तो सब कुछ अच्छा लगता है, जो बना के खिला दोगे वही अच्छा लगेगा। वैसे ये बताओ, इतना काम करती हो, कभी खुद के लिए भी टाइम निकालती हो कि नहीं? इतना काम होता है कि खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। अब देखो ना कितनी अच्छी मूवी चल रही है। मुझे नहीं मालूम ये MMS किसने बनाया, ये लोग झूठे हैं। अरे किसको झूठा बोलती है, तू झूठी है। जितनी बार मेरे साथ हम बिस्तर हो चुके हैं। आओ बैठो साथ में देखते हैं। अरे नहीं, परेशान नहीं, बैठ जाओ, बैठ बैठो। वैसे ये तुम्हारी फेवरेट मूवी है ना? तो साथ में बैठ के देखते हैं फिर। राज बाबा, एक्चुअली मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आई। फाइल नहीं मिल रही है डैड। क्या हुआ राज बाबा? वो मेरी कॉन कॉल पे इंटरव्यू है, लेकिन मेरी फाइल नहीं मिल रही है। ब्राउन कलर की है वो। एक काम कीजिए, आप यहाँ शांति से बैठ जाइए, मैं ढूंढती हूँ, मिल जाएगी। ये है क्या? अरे हाँ हाँ, यही था। थैंक यू, थैंक यू। राज बाबा। हाँ? ये तो मेरा है, तो ये यहाँ आपके कबर्ड में? वो मुझे पता नहीं, भूल से। मैं थोड़ा बाद में बात करता हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है? बाप रे, अभी तो फंस ही जाता मैं।
कावेरी। अरे जी जी यार, आप ना बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखते हो। एक मिनट इधर आओ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट आराम से आराम से। ज़्यादा दर्द हो रहा है? अब दो मिनट रुक जाओ, मैं बर्फ लेके आता हूँ। हाँ आप यहीं खड़े रहो, ठीक है? आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ये जला हुआ निशान ना जल्दी जाएगा नहीं, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए ना। वैसे मुझे एक बात करनी थी। हाँ, बोलो ना बाबा। बाबा नहीं, राज बोलो। मेरे पूरे कॉलेज में मुझे बहुत सी लड़कियां पसंद करती थी, पर पता है जब से मैं तुम्हें देखा हूँ ना, मुझे कोई पसंद नहीं आता। ये तुम्हारी प्यारी सी स्माइल, भोली सी सूरत, ये सब मुझे सब कुछ भूलने पर मजबूर कर देता है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। राज, पसंद तो मैं भी तुम्हें बहुत करती हूँ, लेकिन कहाँ तुम और कहाँ मैं। तुम इन सब बातों की चिंता मत करो, ये सब मैं संभालूंगा। बस तुम तैयार हो मेरे साथ रहने के लिए? कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? तुम्हें इस दिल में जगह दी है, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। अरे कावेरी, खाना लेकर आओ ना जल्दी, भूख लगी है यार। थोड़ा सा। हाँ, अरे तुम भी खा लो ना। नहीं नहीं बाबा, आप खाइए, मैं बाद में खाती हूँ। अरे वैसे भी मैं घर में अकेला ही हूँ, कंपनी मिल जाएगी मुझे। बैठो, यहाँ पर बैठो, बैठो। मैं प्लेट लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, चलेगा। रुको, अभी मैं सर्व करता हूँ। कहीं ये किसी अनहोनी की और क्राइम की शुरुआत तो नहीं है? कहानी का मोड़ कुछ इस तरह ही जा रहा है। कावेरी ने जिस तरह से पूरे घर को अपने मोहपाश में बांध रखा है, उसका नतीजा कुछ सही निकलने वाला नहीं है। क्या राज का कावेरी की तरफ इस तरह का झुकाव सही है? और कावेरी का इस तरह से हरकतें करना, क्या वो जायज़ है? कहानी में आगे देखते हैं।
तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा सुनो ना, मैं क्या बोल रहा था कि आज कहीं बाहर चले घूमने? आज नहीं, बहुत काम है आज घर में। छोड़ो काम सब, चलो मूवी देख कर आते हैं, अच्छी सी मूवी कोई देखते हैं, सब काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा ये बताओ। हाँ बोलो। तुम उसे कितना प्यार करते हो? बहुत ज़्यादा। क्या कर सकते हो मेरे लिए? ये बंदा तुम्हारी खिदमत में सारी उम्र हाजिर है, और क्या चाहिए तुम्हें, इतना सब कुछ कर सकता हूँ। कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे? नहीं, कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। तुम्हें लगता है मैं कभी तुम्हें छोड़कर जाऊंगा? क्या चल रहा है मेरे घर में? तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं रहेगा? मेरे ही घर में, मेरे ही टुकड़ों पर पल के मेरे ही बेटे के साथ गुलछले उड़ा रही है? हाँ नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल। आपको कोई गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी मुझे? देख ये बात याद रखना, तू सिर्फ और सिर्फ मेरी है, समझी? दोबारा मुझे तो अपने बेटे के साथ देखी है ना, इससे बुरा कोई नहीं होगा, जान ले लूंगा तेरी मैं। विवेक जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए विवेक जी, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं बहक गई थी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। सुनिए तो, तुम्हें पता है तुमने जो किया है वो गलती नहीं है, ये सब तुमने जानबूझ के किया हुआ है। नहीं, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। देखिए चाय। मैं जानती हूँ आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं वो सब नहीं भूल सकती जो भी आपने कुछ किया। प्लीज़ बस एक मौका दे दीजिए, दोबारा ये गलती कभी नहीं होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। पर याद रहे ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी, ओके? चाय दो। चाय काफी अच्छी बनी है। मेरे प्यार से जो बनाई है आपके लिए स्पेशल। सुपर। इतनी बढ़िया चाय बना कैसे लेती हो? ये क्या हो गया कावेरी डैड को?
डैड 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 क्या हुआ डैड डैड अगर क्या हो गया डैड को राज ये क्या कर रहे हो तुम बचाओ कोई है क्या हो रहा है यहाँ पे ये आदमी मुझे छेड़ेगा छेड़ेगा सर लेके जाओ उसको यहाँ से घबराने की जरूरत नहीं बैठो आप यहाँ पे मैम आपको गवाही के लिए थाने आना होगा आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि पुलिस आपके साथ में है मैं भी चलता हूँ बाप भी गया और बेटा भी हवालात के अंदर हरी सारी प्रॉपर्टी मेरी यहाँ की मालकिन हिकलौती में कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज आपकी सेहत के लिए हानिकारक होती है इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है विवेक का कावेरी पर जरूरत से ज्यादा एतबार उसके लिए घातक बन गया और राज ने भी इस बात पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था कावेरी जो इस तरह की हरकत करने की आदी है ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी लेकिन यहाँ उसने गलती की और एक हंसता खेलता परिवार पलक झपकते ही खत्म हो गया दोबारा एक बार फिर आऊँगा आपके पास अगली बार एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए सतर्क रहें सावधान रहें जय हिंद